हे फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकुर गलत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर गलत फोटोग्राफी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में। एक्सपोजर कंपनसेशन भी इसको बोलते हैं। तो ये किस तरह से काम करती है, ये मेनली तीन चीज़ों पे डिपेंड होती है। पहला हमारा अपर्चर, दूसरा शटर स्पीड और तीसरा ISO। इन चीज़ों की, तीनों चीज़ों की बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। तीनों किस तरीके से काम करते हैं, इस तरह इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई हैं। आप हमारे चैनल पर जा करके आप चेक कर सकते हो कि अपर्चर क्या होता है, अपर्चर वैल्यू क्या होती है, कैसे काम करता है अपर्चर, ISO क्या होता है, किस तरीके से ISO काम करता है, शटर स्पीड कैसे काम करती है। तो इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सअप है, इन तीनों चीज़ों से ही हमारा एक्सपोजर वैल्यू या एक्सपोजर कंपनसेशन, एक्सपोजर ट्रायंगल हमारा हम बोलते हैं। यानी कि एक्सपोजर के तीन स्तंभ होते हैं, अपर्चर, शटर स्पीड और ISO। ये तीनों चीज़ों को मिलकर ही हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल बनता है। तो दोस्तों, चेक करते हैं कितने, अगर हम अपर्चर क्या रखते हैं तो हमारा एक्सपोजर कैसा आता है, यानी कि एक्सपोजर वैल्यू हमारी कैसी होती है। तो शटर स्पीड चेंज करते हैं तब कैसा होता है, ISO चेंज करते हैं तब कैसा होता है। तो देखते हैं दोस्तों, चेक करते हैं दोस्तों। हे गाइस, यहाँ पे देखिएगा, हम चेक करते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल कैसे काम करता है। तो दोस्तों, एक्सपोजर जो है ये एक्सपोजर कंपनसेशन है और इसको AAB भी बोलते हैं। ये हमारा जो एक्सपोजर की जो रीडिंग है ये बताती है, -3 है तो यानी कि हमारा डार्क इमेज होगी, 0 पे है तो 0 पे अगर हमारी रीडिंग है तो एक्सपोजर वैल्यू जो है बहुत सही है, हमारी फ़ोटो हमारी बहुत अच्छी, प्रॉपर लाइट है, प्रॉपर सारी चीज़ें हैं। और +3 की तरफ जाती है तो यानी कि इसका मतलब लाइट है हमारी। तो दोस्तों, चेक करते हैं इसको कैसे काम करती है ये। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्पीड रखी है, 1/200, अपर्चर मैंने रखा है f/6.3, ISO मैंने 100 रखा हुआ है और ये एक्सपोजर कंपनसेशन की रीडिंग है, -3, -2, 1, 0, 1, 2, +3। तो ये हमें बहुत इजी से हमें बताती है कि हमारा इमेज डार्क है, लाइट है या वेल एक्सपोज्ड है, कैसा है, कितना हमें क्या चीज़ रखनी है। तो दोस्तों, चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे एक मैंने लीव्स की कुछ मैंने यहाँ पे ये शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे अब चेक करते हैं हम क्या चीज़ आती है। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारा शटर स्पीड हो गया है, अपर्चर हमारा 6.3 हो गया है, ये एक्सपोजर वैल्यू है कि हमारा इमेज किस तरीके से है। अब ये जैसे 0 पे है तो यानी कि वेल एक्सपोज्ड है, ISO हमारा 100 रखा हुआ है मैंने। तो देखते हैं दोस्तों, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अब शटर स्पीड से चालू करते हैं हम। शटर स्पीड अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ 400 आप शटर स्पीड रख दी है तो देखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू आई है एक्सपोजर की, 1- की तरफ आई है। तो अब मैं इसको कम करता हूं तो देखिएगा दोस्तों, अब कम करने पे जो है ये प्लस की तरफ जा रहा है, तो यानी कि इमेज हमारी अभी लाइट है, तो वेल एक्सपोज नहीं है। तो इसको सही करने के लिए तो देखिएगा, जहां पर हमारे ये 0 पे आ गया, ये 0 पे आ गया है, तो अब देखिएगा हमारा 160 की स्पीड पे जो है इमेज बहुत सही आई हुई है। तो अब देखते हैं, ये तो हमारा शटर स्पीड से हो गया। दूसरा, अब हम चेक करते हैं अपर्चर अगर हम चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे कि मैं अपर्चर बढ़ाता जा रहा हूँ, 11 मैंने अपर्चर कर दिया है तो ये माइनस की तरफ जा रहा है, इमेज हमारी डार्क हो गई है। और अब मैं इसको अपर्चर कम कर दिया, मैंने 4 अपर्चर कर दिया है तो ये हमारा प्लस की तरफ पहुँच गया है एक्सपोजर वैल्यू, यानी कि हमारी इमेज लाइट है, तो वेल एक्सपोज नहीं है। तो अब इसको मैं 0 जो अब एक्सपोजर की वैल्यू जो है मैं 0 पे लेके आता हूँ तो हमारा अपर्चर आ रहा है 6.3, यानी कि यहाँ पे हमारा जो इमेज है बहुत सही है। अब ISO हम चेंज करते हैं, ISO देखते हैं। ISO मैं यहाँ पे चेंज करा, मैंने यहाँ पे ISO 800 देता हूँ। देखिएगा 800 पे हमारी जो है इमेज बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है, प्लस पे हमारी रीडिंग जा रही है। तो इस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा ISO कम करता हूँ तो देखिएगा रीडिंग हमारी चेंज होगी एक्सपोजर वैल्यू की, ये 2 पे आ गई है, फिलहाल +2 हो गया है, अभी भी इमेज हमारी लाइट है, प्रॉपर वेल एक्सपोज नहीं है। तो इसको फिर वापस मैं इसको 0 करने के लिए मैंने
क्या है कि फिर से 100 कर दिए तो ये हमारे 0 पे है, तो इस समय हमारी जो इमेज है वेल एक्सपोज होगी। ये मैं क्लिक करके दिखला देता हूँ, ये इस तरीके से हमारी इमेज आई है, वेल एक्सपोज इमेज होगी। तो एक्सपोजर ट्राइंगल में तीनों ही चीज़ें हैं, बहुत डिपेंड करती हैं तीनों का संतुलन कि किस समय हमें क्या स्पीड चाहिए, क्या अपर्चर होना चाहिए, क्या ISO होना चाहिए। इन तीनों का बैलेंस ही हमारा एक्सपोजर ट्राइंगल को वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू देता है। तो एक्सपोजर हमारा बहुत सही होगा 0 पे, जैसे मैंने आपको रीडिंग बताई कि -3 या +3 हो रही है या 0 है। 0 पे हमारा वेल एक्सपोज होता है, अगर प्लस में जा रही है तो हमारा इमेज जो है या एक्सपोजर वैल्यू हमारी, मतलब एक्सपोजर जो है हमारा लाइट हो रहा है, तीनों का बैलेंस जो है वो लाइट की तरफ जा रहा है। अगर माइनस की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपोजर ब्लैक की तरफ जा रहा है, हमें उसमें या तो हमें ISO चेंज करनी पड़े या अपर्चर चेंज करना पड़े या शटर स्पीड चेंज करनी पड़े। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम एक्सपोजर कंपनसेशन या एक्सपोजर ट्राइंगल बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, ये वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बराबर वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो थैंक यू दोस्तों।